अरबी के पत्ते की तो बहुत सारी रेसिपी आपने देखा होगा। आज हम बिल्कुल अलग वैरायटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं अरबी के पत्ते की, जिसको कि आप सब्जी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और पकौड़े के तौर पे भी खा सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि अरबी का पत्ता तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तामझाम करना होता है, लेकिन आज बस ये रेसिपी आपके लिए ही है। ये बिल्कुल लेंदी नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत लोगों का खाने का मन करता है लेकिन वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन बहुत ईजी प्रोसेस आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं अरबी के पत्ते का। यहाँ पे हमने 20 से 25 पत्ता लिया हुआ है और बहुत ही इजी तरीके से बहुत कम समय में 20 से 25 मिनट में आप ये सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए एक बार में 5 से 6 पत्ता मोड़ लीजिए और उसके बाद अब इसको हम जिस तरीके से काट रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप भी काट लीजिए। आपके पास जितने पत्ते हैं और पत्ते की ज़्यादा क्वांटिटी ले करके एक बार में मोड़ करके काट लीजिए उसको। लेकिन उससे पहले धो करके साफ जरूर से करिएगा क्योंकि पत्ता है। तो सबसे पहले तो इसको बिल्कुल इस तरीके से एकदम बारीक बारीक पतली पतली काट लेते हैं। अरबी के पत्ते की तो बहुत सारी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आपके ही डिमांड पे आज हम अरबी के पत्ते की रेसिपी लेकर के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग लेकर के आए हैं क्योंकि हर बार प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप लोगों को लगता है कि कैसे बनेगा फिर, तो इसीलिए आपके प्रोसेस को ईजी करने के लिए ये रेसिपी हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये। तो पहले तो इस तरीके से पूरे पत्ते को काट लीजिए। पत्ते कट रहे हैं तब तक कढ़ाई में 2 ग्लास के लगभग पानी को डाल देते हैं। कढ़ाई में ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, बस पानी डाल करके हाई फ्लेम करके इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर हमारे पत्ते भी कट करके अब तैयार हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं 20 से 25 पत्ता हमने लिया था और एक बार में 6-6 7-7 मोड़ मोड़ करके ईजिली काट लिया है इसको ताकि फटाफट से कट जाए। और ये कट करके तैयार हो गई है सिर्फ 2 मिनट में। अब हम इसके लिए पेस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए हमने 2 कप लिया हुआ है बेसन, घर का बेसन है तो और भी अच्छा है। इसके साथ ही सूखी लाल मिर्च अपने तीखा के अनुसार, धनिया 4 बड़ी चम्मच हमने धनिया लिया हुआ है पत्ता के अनुसार, 2 बड़ी चम्मच जीरा और उतनी ही क्वांटिटी में 2 बड़ी चम्मच गोल मिर्च और 1 काली इलायची। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो लीजिए पीसे हुए मसाले तैयार हो चुके हैं और ये गया बेसन में। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हींग, हींग ज़रूर डालिएगा। 1 चम्मच हमने हींग डाल दिया है और 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है सब्जी की। स्वाद अनुसार नमक, हम सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा नमक ही डाल रहे हैं। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पहले इसको, अभी पूरी तरीके से पूरा पानी डाल करके नहीं मिलाना है, बस हल्का सा मसाला मिलाने के लिए हमने इसमें पानी को डाल दिया है। और अब जो पत्ते हमने काट करके रखे हुए हैं उसको डाल लेते हैं। और अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, अरवी के पत्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है खटाई। 3 बड़ी चम्मच हम डालते हैं आमचूर्ण, और लेकिन अभी भी ये कम्प्लीट नहीं है, अभी हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस। ये दोनों इसलिए क्योंकि बिल्कुल देसी पत्ता है, देसी पत्ता गले में बहुत काटता है, मुंह में भी काटता है खाने के बाद ही, तो इसीलिए खट्टे की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब पानी डाल डाल करके, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालनी है, थोड़ा सा पानी डाल करके पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरा। उसके बाद फिर से ऊपर और पानी को डालेंगे, पहले एक बार मिला लीजिए पानी को डाल करके। अब बिल्कुल अच्छे से इसको हमें, जैसे आप आटे का डो मैदे का डो तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको तैयार करनी है ताकि ये जो फूला फूला दिख रहा है पत्ता वो बिल्कुल अच्छे से मिल करके एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाए, थोड़ी क्वांटिटी इसकी कम हो जाए ताकि बनाने में ईजिली हम इसको बना सकें। तो ये देख सकते हैं कितना इसका कम हो गया है, एकदम पेस्ट की तरह ये तैयार हो चुका है। अब इसको इस तरीके से, जैसे कि हम आटे का डो तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से कर देते हैं।
कितने ज़्यादा फूला फूला था ये पत्ता, लेकिन इसको मिला मिला करके कुछ इस तरीके से एकदम कम कर दिया गया, एकदम चटनी की तरीके से हो गया ये। अब ये बहुत ही आसानी से बन सकता है। तो अब हम एक बड़ा सा लोइया लेकर के और इसको इस तरीके से लंबा हम रोल करेंगे, थोड़ा पतला ही रखिए, छोटा छोटा सा। और ये इसी तरीके से दोनों साइड से भी, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट। अब डिज़ाइन तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे भी बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा गीला गीला हो जाता है ये। और एकदम हल्के हाथों से इसको इसी तरीके से रोल कर देना है सारे को। और इतने इतने फूले फूले पत्ते थे, लेकिन पत्ते इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस पे काम बहुत अच्छे से किया गया है, इसका अच्छे से डो तैयार हुआ है। अब इधर हम पानी जहाँ बॉईल करने के लिए चढ़ाए हुए थे उस पे एक रख देते हैं चलनी। आपके पास कोई भी छेदे वाली चलनी टाइप के बर्तन हो तो उसको आप रख सकते हैं इसके ऊपर। पानी को एकदम हाई फ्लेम में अभी रखें। और इधर हमारा ये भी तैयार हो चुका है सारा बन करके, डिज़ाइन रोलिंग तैयार है। और अब ये चलनी पे रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा स्पेस ज़रूर से रखिएगा वरना ये चिपक सकता है। और अब सारे हमने रख दिया है तो एक बड़े से बर्तन से प्लेट वगैरह से ढक लेते हैं। ढक करके इसको लो फ्लेम में पूरे 10 मिनट हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और बॉईल हो जाएगा तो पहले इसको हम चेक करेंगे कि ये बॉईल हुआ है कि नहीं। तो अब इसको पूरे 10 मिनट बाद हम खोल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं अच्छे से फूल रही है, एकदम फूल चुका है ये। और एकदम बढ़िया से ये बॉयल भी हो गया है, फूलने की वजह से हल्का हल्का खुल भी रहा है, मतलब थोड़ा सा फूट भी रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फूल गया। और अब एकदम परफेक्ट फूलना बहुत ज़रूरी है, अगर कच्चापन रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको अच्छे से बॉयल किया गया। अब इसको हम निकाल करके हवा में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से उसके बाद ही इसको कट किया जाएगा, अगर गीला में कट करेंगे तो ये अच्छे से कट नहीं हो पाएगा। और अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसको हम बिल्कुल जैसा पतला मोटा जैसा कटिंग देना चाहें वैसी कटिंग इसको दे सकते हैं। इसी तरीके से पूरा काट लेंगे, थोड़ी पतली पतली साइज में हम इसको काट रहे हैं। और अब हमने कढ़ाई में तेल को रख दिया है गरम होने के लिए। अब इसमें साबुत जीरा आधी छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच पचफोरन, और इसके साथ ही सूखी लाल मिर्च 4 से 5, और थोड़ा सा लाल होने देंगे। और अब इसमें जो हमने पीस करके तैयार किया हुआ है पत्ते का वो उसको ऐड कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम और लो में रखिए वरना ये तुरंत ही लाल हो जाता है, तुरंत जलने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट। और थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि तेल जो है ऊपर भी आ जाए। और अब इसको पलट लें। अगर आप इसको इस तरीके से सेक करके अगर खाना चाहें तो भी आप खा सकते हैं, पकौड़ी की तरह हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको सूखे चावल के साथ भी खा लेते हैं तो भी अच्छा लगता है ये सूखा ये पकौड़ा। और इसके साथ ही अगर आपको रसेदार सब्जी खानी है तो आप इसके लिए रस्सा ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। जैसी ग्रेवी आप पसंद करते हैं वो ग्रेवी बना करके आप इसको डाल सकते हैं उसमें, तो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और या फिर आप इस तरीके से इसको पकौड़े के तरीके से भी खा सकते हैं। ज़्यादातर लोग को इसी तरीके से पसंद होता है खाना सेक करके भी, और कुछ लोग रसेदार पसंद करते हैं। और आज थर्सडे है, थर्सडे के दिन हम लोग बना रहे हैं। ग्रेवी में प्याज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर प्याज ही नहीं डालेंगे
तो फिर कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको डालने का। इसीलिए आज हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और इसीलिए हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसको सूखा ही छोड़ देंगे। और अब दूसरे बैच को भी हम तल करके तैयार कर लें। लीजिए, तैयार हो चुका है हमारे पकौड़े वाले पत्ते की सब्जी। और इसको आप अगर लहसुन प्याज में आप बना रहे हैं तो इसको आप ग्रेवी बना करके उसमें डाल दीजिए और बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट आपको लगेगा। और चाहे तो आप इस तरीके से सूखी सूखी भी खा सकते हैं तो भी अच्छा लगेगा। रेसिपी पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।